अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर प्रदेश भर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना लगातार जारी है। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के धरने को पूरे 65 दिन हो चुके हैं। वहीं रतिया में भी अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना लगातार जारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान उन्हें विभिन्न संगठनों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है, जिससे उनका आंदोलन लगातार मजबूत होता जा रहा है। उन्होंने सरकार पर अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी 14 फरवरी को वह करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। आज का हमारा रोज प्रदर्शन है, हम विधायक जी को हमें मांग पत्र देना है जी। क्या मांग पत्र? हमारी जो मांगे हैं 2018 से लंबित पड़ी है, उस मांगों को लेकर हम आज विधायक जी को मांग पत्र देंगे। क्या मांग क्या आपकी? मांग है हमारी, जो मुख्यमंत्री जी ने सदन में 2018 में मांग हमें दिया था दर्जा है कुशल और अकुशल का दर्जा, और हमें जो सामाजिक सुरक्षा है हमारी जो आंगनवाड़ी की वो, और हमारी जो पीएम साहब ने हमें घोषणा की थी 2018 में भी आपको दिवाली का तोहफा दिया जाएगा, 1500 और 750 के मानदेय बढ़ाया जाएगा, आपको जगमग दिवाली मनाएंगे आपको। और मुख्यमंत्री साहब ने सदन में यह भी बोला था कि आप याद रखोगे भी ऐसा मुख्यमंत्री कभी आया नहीं और आएगा भी नहीं, आंगनवाड़ी वर्करों को मैं आपको ऐसा मानदेय बढ़ाऊंगा और आपकी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं मैं मानूंगा। कैसा लगा मुख्यमंत्री? नहीं, अभी तक तो कोई मांग हमारी मानी नहीं है, बीच में पड़ी है 2018 की मांग है हमारी, नई मांग नहीं है कोई, अभी पुरानी मांग है। तो आगे का फैसला क्या आपका? हमारी आगे का फैसला यह है, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तब तक हम हड़ताल पर बैठेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम अनशन पर भी बैठेंगे, और 2014 को हम करनाल के अंदर पड़ाव डालने जा रहे हैं। 65 दिन से बैठे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए आज रोज प्रदर्शन है। आज की प्लानिंग क्या? आज हम विधायक को मांग पत्र देंगे। क्या मांगे क्या उसमें भी? मांगे हमारी पुरानी वाली मांगे हैं, जो हमारी 3.5 साल से जो हमारा वेतन है वो हमारे को मुख्यमंत्री दे नहीं रहे हैं, और 1500 750 का जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी वो अभी तक हमें नहीं मिला है, 3.5 साल से वही लेने के लिए हमारा रोज प्रदर्शन है। आगे का फैसला क्या? आगे का फैसला ये 14 फरवरी को हमारा करनाल के अंदर पड़ाव है दिन रात का। इसके बाद की प्लानिंग यही है जी, हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम बैठे रहेंगे जी धरना स्थल पे, और काम भी नहीं करेंगे जी सरकार का। करनाल में कोई प्लानिंग है? हाँ जी, 14 फरवरी को करनाल में हमने पड़ाव डालना है। कितने दिन से बैठे हो आप? हम 65 दिन से बैठे हैं। तो मांग पूरी नहीं हुई? नहीं।